The BJP has come out all guns blazing against the Congress a day after Rahul Gandhi attacked the opposition party in his address at the AICC conclave. Responding to Rahul Gandhi's comb jibe, senior BJP leader Arun Jaitley said that Congress was indulging in rampant corruption and that the party even took commission in the sale of a single comb. Jaitley was speaking on day one of the party's National Council meet in the capital, where the BJP adopted its economic resolution. ऑपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं, ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है, ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे, सुनो, सुनो अब नए लोग आए हैं अब नए लोग आए हैं अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे अब नए लोग आए हैं इन्होंने इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं बाल बना रहे हैं मैंने कल एक टिप्पणी सुनी थी अध्यक्ष जी उस टिप्पणी में कहा गया कि इस देश के विपक्षी दल क्या हैं बिन बाल वाले व्यक्ति को एक कंघी बेच देता है ये कहा गया कल और दूसरा बिना बाल वाले उस व्यक्ति को कहता है तुम्हारे बाल कटवा दूंगा लेकिन ये कहने वाले भूल गए थे कि एक बहुत बड़ा पुराना तीसरा राजनीतिक दल भी इस देश में है और वो राजनीतिक दल वो है चाहे कंघी बिके चाहे बाल कटे उसमें अपनी कमीशन मांग लेता है और अगर इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है अगर इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है तो उस तीसरे राजनीतिक दल के इस भ्रष्टाचार की वजह से बिगड़ी है On the other hand, party president Rajnath Singh in his address slammed Congress leader Mani Shankar Aiyar for mocking Narendra Modi over his humble background. क्या हो गया है? कल एक नेता ने कहा कि चाय बेचने वाले चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी यदि वो चाय बेचना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में आ जाएं हम उनको एक स्टॉल लगवा देते हैं चाय बेचने के लिए यह सामंतवादी मानसिकता है बहनों भाइयों और ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूं लेकिन उन्हें मैं बतलाना चाहता हूं सच्चा लोकतंत्र यदि कहीं पर है किसी राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र इंटरनल डेमोक्रेसी यदि है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में यहां चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है खेती करने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है